WHO की हाल ही में रिलीज करी गई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को अब एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इस नए स्ट्रेन में बेसिकली एक लार्ज नंबर में म्यूटेशंस हैं जो कि पहले से इन्फेक्टेड लोगों में री इन्फेक्शन के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये अभी तक कोरोना वायरस का सबसे हेविली म्यूटेटेड वर्जन है। इस नए वेरिएंट को सबसे पहली बार 24 नवंबर के दिन साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट करा गया था, जिसके बाद से अब तक इसे चार और देश हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल और बोत्सवाना में डिटेक्ट करा जा चुका है, जहां पैंडेमिक इन्फ्लुएंसा मॉडलिंग ग्रुप के मेंबर डॉक्टर माइक टिल्सले ने इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट में बताया कि अभी तक साउथ अफ्रीका की सिर्फ 24% पॉपुलेशन ही फुली वैक्सीनेटेड है, जिसके चलते ही वहाँ पे अब ये नया वेरिएंट और भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद जहाँ USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों पे ट्रैवल बैन्स लगा दिए हैं, वहीं इंडिया ने भी इन देशों से आने वाले लोगों पे स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इस सिचुएशन पे UK गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइज़र और माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर कैलम सैंपल ने बताया कि COVID-19 के लिए बनी वैक्सीन्स अभी भी लोगों को सीवियर इलनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगी, जिसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट कोई भी बड़ा डिजास्टर नहीं है और कुछ लोग बस सिचुएशन को मीडिया में बढ़ा चढ़ा के पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स फाइजर और बायोएनटेक ने भी अब ये साफ कर दिया है कि अगर ये नया वेरिएंट रेजिस्टेंट हो भी जाता है तो वो इससे लड़ने के लिए अगले 100 दिनों में नए वैक्सीन्स को भी तैयार कर लेंगे, जिसके साथ ही मॉडर्ना के अकॉर्डिंग उन्होंने अब एक नई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को तैयार कर लिया है आने वाले टाइम में नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को पहले से ही एंटिसिपेट करने के लिए। लेकिन इस नए वेरिएंट के खबरों की सामने आने के बाद से एयरलाइंस और ट्रैवल सेक्टर के स्टॉक्स बेहद तेजी से नीचे गिर गए हैं, जहां यूरोप के स्टॉक मार्केट्स ने पिछले 17 महीनों में अपने सबसे खराब दिन को रिकॉर्ड करा, वहीं US का डाउ जोन्स भी एक 2.5% के इंडस्ट्रियल एवरेज पे बंद हुआ, जो कि उसका वर्स्ट डे था अक्टूबर 2020 के बाद से। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।